विकास विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, इसका पार्ट 2 हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देखिए। ये चैप्टर मैंने आपको बताया था लेंथी है, लेकिन फिर भी मैं दो पार्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। हाँ, ये समझ तभी आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, सेकेंड पार्ट में उसके आगे की चीजों को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड पार्ट है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये है, क्या कारण थे जिसकी वजह से फसलों को चारों तरफ से किलेबंदी की गई। यानी कि अभी आपने पढ़ा था पिछले जो हमारे जो वीडियो आया था पिछले पार्ट में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किलेबंदी की गई थी तो वो नगरों के चारों ओर, फसलों के चारों ओर, प्रशासनिक केंद्रों के चारों ओर, हर एक जगहों पर चारों ओर की गई थी। अच्छा, ये की क्यों गई थी, अब इसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि फसलों के चारों ओर जो किलेबंदी करने का जो कारण था वो क्या था। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी राजमहल है, ठीक है, कोई भी राजमहल है यहाँ पे और कोई भी राजमहल है यहाँ पे, मान लो दो राजाओं का राजमहल है अलग अलग जगहों पे। अब होता क्या है कि मान लो इस राजा और इस राजा में लड़ाई हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अपनी दल सेना, मतलब जो अपना उसके पास जो भी सेनाएं होंगी उसको लेकर यहाँ पे आएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है इसको इस पर आक्रमण करेगा। अब आक्रमण करेगा तो यहाँ के अन्नागार पर, यानी कि खासकर सबसे पहले किसको रद्द करेगा ये, मतलब किसको खराब करेगा, फसलों को। एक फसलों को क्यों खराब करेगा, क्योंकि फसलों को अगर इसने खराब कर दिया तो यहाँ की जनता को फसल उत्पादित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसल तो खराब हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो अन्नागार था, अन्नागार यानी कि एक तरीके से गोडाउन अन्न का, वो दूसरी चीज यहाँ के गोडाउन पे कब्जा करेंगे, इसलिए क्योंकि इनके पास सेनाएं जो होंगी, मान लो 5000 सेना लेके आए हैं तो उनको खाना पीना भी तो चाहिए, तो इसके वजह से वो सीधा अटैक करते हैं अन्नागार पे और उसके बाद वो अटैक करते हैं इस पे। तो बेसिकली क्या होती है, एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि अगर सेनाओं को खाली पेट लड़वाया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से दिक्कत क्या हो सकती है, युद्ध ही हार जाएंगे। इस वजह से सबसे पहले उनके खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है और फिर जाकर आक्रमण करवाया जाता है। तो इस स्थिति में अब मान लो कि इस राजा ने क्या किया, पहले इस क्षेत्र को एकदम चारों ओर से बाउंड्री करवा रखा होगा। जब ये चारों ओर से बाउंड्री अगर करवा दिया तो ये जो दूसरा बंदा आके जो आक्रमण इस पे करेगा, तो वो जाहिर सी बात है ये सोचेगा कि चारों ओर से बाउंड्री है तो पहले मुझे बाउंड्री तोड़ना पड़ेगा, फिर एंटर होना पड़ेगा, तो बहुत सारा झमेला है। इस वजह से ये राजा कतराएगा, मतलब आक्रमण करने से ये पीछे हट जाएगा, इसी वजह से, क्योंकि चारों ओर से इसकी बाउंड्री अगर होगी तो। लेकिन अगर बाउंड्री नहीं है तो जाहिर सी बात आक्रमण कर सकता है। यही कारण था जिसकी वजह से फसलों को घेरा जाता था। साथ ही साथ आपको पता है जानवरों से बचाने के लिए फसलों को घेरा जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है, फसलों की किलेबंदी करने का मुख्य कारण युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की पहुंच से बचाना, यानी कि दुश्मनों के हाथ से बचाना है। किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन सबसे पहले राज्य के फसलों पर कब्जा करता है, ताकि वह उस क्षेत्र में अपनी सेना का भरण पोषण कर पाए, और इसीलिए विजयनगर द्वारा फसलों की किलेबंदी कर दी गई थी। आखिर यही कारण था जिसकी वजह से विजयनगर की किलेबंदी कर दी गई थी, ताकि युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन को ये जो फसल है ना वो हाथ ना लग पाए। आगे, इससे दुश्मन सेना के लिए अपना भरण पोषण कर पाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और साथ ही साथ जो भी क्षेत्र, जो भी देश, जो भी राज्य अपने किलेबंदी कर रखा होगा उसको काफ़ी प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे विजयनगर ने चारों ओर से किलेबंदी कर रखा था, इस वजह से विजयनगर को कभी भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न नहीं होता था। समझ में आ गया, तो इसी वजह से फसलों को घेरा गया था ताकि कोई इस पर आक्रमण ना करे और आक्रमण करके अपने में ना मिला ले। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं विजयनगर में शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे पहली चीज मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो आया था संगम वंश आया था। संगम वंश के बाद जो यहाँ पे वंश आया था उसका नाम था सुलु वंश, ठीक है। इसके बाद जो वंश आया था उसका नाम था तुलु वंश, ठीक है। ये देखो वंश एक जैसे ही लग रहे हैं, सुलु वंश और तुलु वंश। इसके बाद जो वंश आया था इसका नाम है अराविदु वंश। तो ये कुछ वंश के नाम है, इसको आप याद करके रखना। और इसी के हिसाब से देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने किया था, संगम वंशों ने किया था। संगम वंशों में किसने किया था, तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है, और उनका नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है। फिर इसके बाद सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अराविदु वंश आया, और इसके बाद सम्राट धीरे धीरे खत्म ही हो गए और उसके बाद विजयनगर का पतन हो जाता है। तो देखिए संगम वंशों की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं कि
राय किसको कहा जाता है, जो शासक होते हैं यानी कि राजा होते हैं उनको राय कहा जाता है, और इसके अलावा नायक किसको कहते हैं, जो सेना के प्रमुख होते हैं उनको नायक कहते हैं। दो बातें याद करके रखना, नायक किसको कहते हैं, सेना के प्रमुख को, और राय किसको कहते हैं, जो शासक होते हैं उनको राय कहते हैं। यहाँ पे देखिए संगम वंश सबसे पहले आया था, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। साथ ही साथ बात किया जाए कि ये संगम वंश नाम कैसे पड़ा था, तो ये इस नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके पिता का नाम था संगम, और इस वजह से इसका इस वंश का नाम पड़ गया था संगम वंश। इसके नाम पर इन्होंने अपने वंश का स्थापना कर दी संगम वंश की, और इस तरह विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। और फिर आगे चल के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था वीरूपाक्ष द्वितीय। अब वीरूपाक्ष द्वितीय को क्या करते हैं, सुलु वंश के जो व्यक्ति होते हैं वो इनको मार देते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए सुलु लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर हुआ करते थे, जाहिर सी बात है आप समझते हो ना, सैनिक कमांडर वो अमरनायक की बात मैं कह रहा हूँ, तो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। और आगे चल के इन्होंने क्या किया, सैनिक कमांडरों ने क्या किया, यानी कि इनका नाम था नरसिंह, ठीक है। यहाँ पे देखिए नरसिंह ने क्या किया, वीरूपाक्ष द्वितीय को हरा दिया, तो इस तरीके से संगम वंश खत्म हो गया। तो देखिए क्या होता है कि सुलु वंश संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर थे, संगम वंश के अंतिम जो शासक थे यानी कि ये वीरूपाक्ष द्वितीय को हरा कर नरसिंह अपना शासन स्थापित कर लिया, और इस तरीके से सुलु वंश की इसमें स्थापना हुई। चीज समझ में आ रही है, इसकी स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का ने की थी। आगे चल के यहाँ इसके जो लास्ट शासक थे उनका नाम था वीरूपाक्ष द्वितीय, वीरूपाक्ष द्वितीय को नरसिंह ने मारा था, और इस तरीके से सुलु वंश की स्थापना कर दी थी। आगे हम पढ़ते हैं तुलु वंश की कैसे स्थापना हुई, तो देखिए तुलु वंश की अगर मैं बात करूं तो तुलु वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह द्वारा सुलु वंश के अंतिम शासक को हरा कर, ठीक है, तुलु वंश की स्थापना कर दी गई थी। यानी कि नरसिंह जो नरसिंह थे उन्होंने क्या किया था, जो तुलु वंश के प्रथम शासक नरसिंह द्वारा सुलु वंश के अंतिम शासक को हरा दिया गया था, और इस तरीके से तुलु वंश की स्थापना हो गई थी। और इसी वंश के दौरान कृष्णदेव राय राजा बन गए थे, और याद रखिएगा इसमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो तुलु वंश से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, तो आप इन चीज़ों को तैयार करके रखिएगा। इसके साथ अगर बात किया जाए, इन्हें विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, इसलिए क्योंकि जो कृष्णदेव राय थे वो काफ़ी धैर्यवान राजा थे, काफ़ी बढ़िया राजा थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र हर एक चीज़ से वो भरपूर रखते थे, और खासकर जिस पे आक्रमण करते थे उसको जीतते ही थे, तो इस वजह से सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं कृष्णदेव राय। और आगे क्या होता है, तुलु वंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था सदाशिव, अब सदाशिव को अरावीदु वंश हरा देते हैं, और इस तरीके से अरावीदु वंश की स्थापना हो जाती है। तो बेसिकली आप यही चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ कि पहले संगम वंश था, संगम वंश को किसने हटाया, सुलु वंश ने, सुलु वंश को किसने हटाया, तुलु वंश ने, और इसके अलावा अरावीदु वंश तुलु वंश को हटा दिया, और इस तरीके से प्रथाएं चलती चली गई, ठीक है। तो ये लिखा है किसने सदाशिव को किसने मारा था, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि तिरुमल द्वारा तुलु वंश की आखिरी शासक को मार कर अरावीदु वंश की स्थापना कर दी गई थी, और अरावीदु वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था श्रीरंग तृतीय उनका नाम था। तो इस तरीके से देखा जाए जो शासन का दौर यहाँ पे चल रहा था, पहले संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरावीदु वंश, चीजों को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो शासन काल है 1509 से लेकर 1529 के बीच का इनका शासन काल है, और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इनका जो जन्म हुआ था 14 जनवरी 1471 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पे राजा राज करते थे, तो हम्पी में राजा राज करते थे। साथ ही साथ बात करें तो इनका वंश था तुलु वंश, और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 अक्टूबर 1929 में मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के साथ ही जो बढ़िया राजा थे वो खत्म हो गए, और इस तरीके से विजयनगर का विनाश स्टार्ट हो गया था। तो देखिए क्या लिखा है, कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे, और ये क्या थे, कवि भी थे, और ये जितने भी कवि हुआ करते थे आसपास के क्षेत्रों में सबके संरक्षक थे, यानी कि इनकी रक्षा किया करते थे। सारे कवियों की रक्षा कौन करता था, कृष्णदेव राय करते थे। इनकी भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंशाचरितावली यानी कि वंशाचरितावली तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, और आगे चल के इसको संस्कृत में भी मतलब कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिए क्या है,
वंश शर्तावली, क्योंकि ये कवि थे तो इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की, आगे अभी और हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है आगे। 1509 में कृष्णदेव राय ने शासन संभाला था और इस दौर में विजयनगर का सबसे समृद्ध एवं खुशहाल दौर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कृष्णदेव राय एक ऐसे शासक थे जो अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को बहुत ही बढ़िया तरीके से रख सकते थे, क्योंकि इनके साम्राज्य में नियम कानून या फिर जो प्रजा थी काफी अच्छी थी, खुश थी। ठीक है, आगे समझते हैं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया था और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को भी जीत जीत कर उसे हासिल कर लिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य। कार्यों का अगर देखा जाए तो 1512 में रायचूर दोआब, रायचूर दोआब मैंने आपको पहले बता रखा है, दो नदियों के बीच के भाग को रायचूर दोआब कहते हैं। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उसको जीत लिया था, यानी कि उसको हासिल कर लिया था। आगे बात करें 1514 में उड़ीसा के शासकों को भी हरा दिया था। 1520 में विजयनगर के सुल्तान को भी बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। साथ ही साथ बात करें तो कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। क्यों राज्य तैयार रहा? क्योंकि आसपास के क्षेत्रों को ये जीतते थे और इसके अलावा जितने भी आसपास के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कृष्णदेव राय से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि कब हमला कर दे तो कब हमला कर दे ये किसी को पता नहीं था। इसी वजह से सारे लोग हमेशा तैयार होकर रखते थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कृष्णदेव राय ने अन्य अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। आगे बात करते हैं, इन्हें आंध्र भोज यानी कि पूरे आंध्र का राजा की उपाधि दी गई थी, यानी कि सब कहते थे ये जितना आंध्र प्रदेश है ना, पूरे आंध्र प्रदेश के जो राजा हैं वो हैं कृष्णदेव राय, क्योंकि ये इतने फेमस हो चुके थे जिसकी वजह से अपने साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया था। आगे बात करते हैं, कृष्णदेव राय ने दो पुस्तकों की रचना की थी, जैसे कि हमने पीछे एक बात किया था और आगे अभी हम देख रहे हैं, अमुक्त मल्यम। ठीक है, अमुक्त मल्यद ये नाम है बुक का और जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिनका नाम है जामवंती कल्याण, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, कृष्णदेव राय ने इस चीज को लिखा था। आगे कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया था, विशाल मंदिरों में गोपुरम, जैसे गोपुरम समझते हो ना, किसी भी मंदिर का जो गेट बनता है वो विशाल गेट बनता है। ठीक है, वो विशाल गेट बनता है तो इसको कहते हैं गोपुरम। गोपुरम की स्थापना भी किसने करवाई थी? कृष्णदेव राय ने करवाई थी और सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, कृष्णदेव राय को। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंचाई के लिए जो साधन व्यवस्था मतलब जिन्होंने स्थापित किया था वो कृष्णदेव राय ने स्थापित किया था। जैसे आपने आपको मैंने पढ़ाया था कमलपुरम जलाशय के बारे में, तो वो संगम वंश में भी था और आगे चल के कृष्णदेव राय ने भी उसमें काफी योगदान दिया था। और इस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य तक पूरा पानी व्यवस्था सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा रखा था। आगे बात करते हैं, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से राजा ने अपने माता के नाम पे एक नगर की स्थापना की थी, तो क्या नाम है? कृष्णदेव राय। ठीक है, और या फिर नाम भी पूछा जा सकता है तो याद करके रखना, नगलपुरम नामक उपनगर। ठीक है, तो नगलपुरम उस चीज का नाम था। आगे बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं कि विजयनगर का व्यापार क्या था, व्यापार मतलब कहाँ का वो व्यापार किया करता था। तो देखिए ध्यान से, विजयनगर जो सबसे ज्यादा फेमस था वो था घोड़ों के लिए, क्योंकि उनकी सेनाओं में सबसे ज्यादा घोड़े हुआ करते थे और अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त करने के लिए वो विदेशों से भी व्यापार करते थे, जैसे अरब सागर से हो गया, इसके अलावा मध्य एशिया से हो गया, इन जगहों से वो व्यापार करते थे ताकि उनके पास अच्छे अच्छे घोड़े आ सके और जब युद्ध की स्थिति पैदा हो उस टाइम पे ये घोड़े ही मतलब घोड़े के द्वारा वो जीत पाए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, विजयनगर में सेना में घोड़े पर निर्भर थी, यानी कि विजयनगर जो सेना की मैं बात करूं वो अधिकतर घोड़े पर निर्भर हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग जाते थे लड़ने के लिए वो घोड़े पे बैठ के जाते थे। आगे, इसलिए विजयनगर के शासकों द्वारा मध्य एशिया एवं अरब से घोड़े को आयात किया गया था, यानी कि मंगाया गया था। शुरुआत में यह व्यापार अरब के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। विजयनगर में रहने वाले घोड़े के व्यापारियों को कुदरई चट्टी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन और एराइज हो सकता है कि कुदरई चट्टी किसको कहा जाता है, तो विजयनगर में जो घोड़े के जो व्यापारी हुआ करते थे उनका कुदरई चट्टी नाम रखा गया था। आगे बात करते हैं, विजयनगर किस चीज के लिए फेमस था? जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि रत्नों के लिए फेमस था,
वस्त्रों के लिए फेमस था और खासकर मसालों के लिए फेमस था और इन सभी चीजों के लिए फेमस था, तो यहाँ पे इस इन चीजों की व्यापार हुआ करती थी। साथ ही साथ बात करें तो विजयनगर की जनता समृद्ध होती चली गई, यानी कि अमीर बनती चली गई। साथ ही साथ महंगी वस्तुओं की मांग हुई और विदेशों से मांग आया, मतलब सामान आया करता था विजयनगर के लोगों के लिए। आगे बात करते हैं, उच्च व्यापार के कारण राज्य को उच्च राजस्व प्राप्त होता था। आपको ये बात पता होगा कि जो समाज जिस समाज में सारे लोग अमीर हों, जाहिर सी बात है उस समाज में जो राजस्व मिलता है, जो लगान मिलता है, जो कर मिलता है, वो ज्यादा ही मिलेगा। और इस तरीके से राज्य भी समृद्ध होता चला गया। तो व्यापार के बारे में हमने ये बात कर लिया। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि विजयनगर के शाही केंद्र के महत्व को, विशेषकर उनकी महत्वपूर्ण इमारतों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो शाही राजकीय केंद्र, जो बस्ती बसाई गई थी, वो दक्षिण पश्चिम भाग में बसाई गई थी। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे 60 मंदिर थे। कितने मंदिर थे? 60 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पे हुआ करते थे। और जाहिर सी बात है यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जो मंदिर हुआ करते थे ना, मंदिरों को भी भव्य बनवाया करते थे और वहां पे जाके पूजा पाठ वगैरह किया करते थे, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ लड़ने में ही एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि वहां पे मंदिर, प्रशासनिक केंद्र, शाही केंद्र, हर एक चीज बनवाने के लिए वहां के जो राजा है वो तत्पर रहा करते थे। आगे बात करते हैं, इसी क्षेत्र में एक विशाल संरचनाएं पाई जाती है जिसे राजा का भवन कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रभावशाली मंच है, एक का नाम है सभा मंडप और दूसरे का नाम है महानवमी डिब्बा। देखो सभा मंडप भी कई बार पूछ लिया जाता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन महानवमी डिब्बा जब डिब्बा पूछा जाता है तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर अब 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किलेबंदी वाला चीज इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज है जो महानवमी डिब्बा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सभा मंडप क्या होती थी, तो जाहिर सी बात है सभा से ही आपको पता लग सकता है कि यहाँ पे सभाएं होती थी। अब मंडप का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए यह एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था। इसके इसके बीच एक इसके बीच बीचा नहीं इसके बीच इसके बीच एक गली थी, ठीक है। इसके बीच में कई स्तंभ है और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल भी टिकी हुई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये जो एग्जाम्पल लिया हूँ, इस एग्जाम्पल को सभा मंडप मत समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि इस तरीके की चीजें वहां पे थी। सभा मंडप मैंने चेक किया तो वो चीज तो नहीं मिला, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सभा मंडप बनाई जाती थी कुछ इसी प्रकार से चीजें बनाई जाती थी। और इसके ऊपर देखिए ये जगह जगह पे पिलर है, जगह जगह पे पिलर है, तो जाहिर सी बात है नीचे तो सभा हो नहीं सकती थी, तो इसके ही ऊपर होती होगी, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए एक जीना, मतलब सीढ़ी हुआ करती थी ताकि इस पे लोग चढ़ के ऊपर जा सके। तो यही लिखा है कि सभा मंडप एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच एक गली है, यानी कि ये गली है। देखो अंदर गली जा रही है ना आगे, इसके बीच कई सारे स्तंभ है। ये देखो स्तंभ, स्तंभ मतलब ये पिलर, कई सारे स्तंभ है, देखो बहुत सारे स्तंभ है। आगे समझते हैं, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, यानी कि दूसरे मंजिल पर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। इसमें सभी स्तंभ बहुत पास पास है, देखो पिलर सारे पास पास है ना। अच्छा, इसके बीच काफी कम खुला स्थान है, यानी कि अगर स्थान देखा जाए तो काफी कम स्थान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पिलर ही पिलर ज्यादा है, और इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे नीचे तो बैठक तो होती नहीं होगी, बल्कि कहाँ बैठक होती थी? ऊपर बैठक होती थी। देखिए क्या लिखा है, कम जगह होने की वजह से इतिहासकार इस मंडप को समझ नहीं पाए, क्योंकि इस स्तंभों के बीच यहाँ पर इस स्तंभों के बीच की यह जगह बैठने के एवं किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने के पर्याप्त नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो नीचे का जो एरिया है जहाँ पे पिलर लगे पड़े हैं, यहाँ पे अगर कहा जाए सभा करने के लिए सभा नहीं हो सकती थी, क्योंकि इन पिलरों के बीच में जो दूरी थी वो कम थी। और इस वजह से इतिहासकार भी कंफ्यूज है आखिर ये जो सभा मंडप था ये किस काम आता होगा। तो जहाँ तक आइडिया लगाया जाता होगा ये यही है, या तो ऊपर होता होगा सभा, या तो नीचे किसी, मतलब किसी भी किसी न किसी चीज के लिए तो प्रयोग में आता ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में। तो देखिए महानवमी डिब्बा के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये देखिए विशालकाय मंच है। ये क्या है? विशालकाय मंच है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो टोटल 40 फीट ऊंचा है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, कितना लंबा चौड़ा है, तो 11,000 वर्ग फीट ये लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है और यह 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और एवं इनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक है। अच्छा, इस मंच के आधार पर कुछ
बहुत ही सुंदर चित्र भी मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे चित्र भी बने हुए हैं, देखिए सारे सारी चीजें नजर आ रही है ना, ये कई सारे चित्र भी बने हुए हैं। तो देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे भव्य चित्र बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, आखिर ये जो महानवमी जो डिब्बा था, आखिर ये जो महानवमी डिब्बा था इसपे ये किस काम आता होगा? तो कहा ऐसा जाता है कि जो दशहरा ग्राउंड के, जैसे देखते हो ना दशहरा ग्राउंड में रावण को जलाया जाता है और वहाँ पे मेला लगता है, ऐसे ही बताया जाता है कि जो महानवमी डिब्बा था यहाँ पे मेला लगता था, यहाँ पे उत्सव होता था, राजा महाराजा जुटते थे यहाँ पे उस दिन, मतलब नवरात्र समझते हो ना, 9 दिन तक पूरा मेला लगा करता था, राजा महाराजा आते थे, कुश्ती लड़ते थे, अपना प्रदर्शन दिखाते थे। साथ ही साथ बात करते हैं, यहाँ पे लोग आपस में पुरस्कार दिया करते थे, उपहार दिया करते थे और आपस में लड़ाई करते थे और कई सारे मतलब भैंसों की बलि दी जाती थी और इन तरीके की चीजें यहाँ पे होती थी। तो देखिए क्या लिखा है इससे जुड़े महोत्सव, तो देखिए क्या लिखा है, इस पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था, मुख्य रूप से हिंदू त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, दुर्गा पूजा आदि पर इन मेलों का आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था जिसमें मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी, जानवरों को बलि भी दी जाती थी और राज्य के अश्व की पूजा भी की जाती थी। आगे बात करते हैं, इसी दौरान नृत्य भी होता था, आखिर मनोरंजन के लिए यहाँ पे नृत्य भी हुआ करता था, कुश्ती भी हुआ करता था, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी हुआ करता था और शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। शोभा यात्रा समझते हो ना, वो जो झांकी निकालना, शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। आगे त्योहारों के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों की सेना का निरीक्षण करता था, यानी कि जैसे आप देखते हो 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे सेनाएं अपना रुतबा दिखाती है, अपने देश का एक कितनी मजबूत हमारा देश है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं, है ना। ऐसे ही वहाँ पे जो सेनाएं होती थी उनका निरीक्षण भी किया जाता था, ठीक है, और साथ ही साथ राजा महाराजा आपस में उपहारों का लेन देन करते थे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं महानवमी डिब्बा में देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं वीरूपाक्ष मंदिर। अब हम मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा। तो देखिए वीरूपाक्ष मंदिर, जैसा कि आपको पता है शिव जी का मंदिर है वीरूपाक्ष मंदिर, तो देखिए इसका कई शताब्दी तक निर्माण होता रहा है और प्राचीन मंदिर अगर कहा जाए तो कब की प्राचीन मंदिर है, 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और अधिक बढ़ा दिया गया, यानी कि बड़ा कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया। देखो ये ना पूरा बड़ा है ना ये सारा चीज़। आगे कृष्णदेवराय ने गोपुरम बनवाए थे, गोपुरम समझते हो ना, वो गोपुरम यानी कि आप देखो जो एंट्री गेट होता है वो गोपुरम बनवाए थे और उसे सजवाया भी था, यानी कि उस पर चित्रकारी करना, डिजाइनिंग करवाना, वो सारा काम भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। और यह एक बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंदिर है, इसके गोपुरम प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल एवं सुंदर है जैसा कि आप देख सकते हो। साथ ही साथ बात करते हैं, इसी में पंपा देवी की आराधना भी की जाती है, यानी कि जहाँ शिव जी हैं वहीं पार्वती जी हैं, तो दोनों की आराधना की जाती है और साथ ही साथ शिव जी की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए जो शिव जी की पत्नी है उनको, शिव जी की पत्नी कौन है, पार्वती जी है। तो पार्वती जी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस नाम से पूजी जाती थी, तो वो पंपा देवी के नाम पे, किस नाम से, पंपा देवी के नाम से पूजी जाती थी और पंपा देवी विरूपाक्ष जी का मंदिर वहां पे है जो कि शिव जी और पार्वती जी का स्वरूप माने जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर आप समझ सकते हो यह एक सुदृढ़ और दर्शनीय मंदिर है। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत और दर्शनीय का मतलब होता है जिसको देखने के लिए अन्य अन्य जगहों से लोग पहुंचते हैं। तो एक सुदृढ़ एवं दर्शनीय मंदिर है, यहाँ दीवार के नीचे से ऊपर तक तांबे के पात्र बने हुए हैं, यानी कि तांबे के पात्र, यानी कि तांबे की एक तो मूर्ति बनती है, किसकी बनती है, जाहिर सी बात है पत्थर की बनती है, और यहाँ पे जो तांबे के पात्र बने हुए हैं यानी कि तांबे की चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो मूर्ति हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यानी कि इन सब डिजाइनों में अगर मैं बात करूँ तो। आगे बात करते हैं मंदिर की छत पर जानवरों की मूर्ति बनी हुई, यानी कि मंदिरों के अगर छत पर देखा जाए तो जानवरों की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के अंदर 2500 से 3000 जले हुए दीपक मिले हुए, यानी कि जलते हुए दीपक यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे यहाँ के पत्थरों पर स्त्री, कोमल फूल, जानवरों की चित्र की नक्काशी भी की गई है, यानी कि आप पहले के समय के मंदिर अगर देखोगे आप, चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए बताते हो, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अक्षरधाम जो मंदिर है
अक्षरधाम मंदिर में आप जाओगे देखोगे हर एक पत्थर पे डिजाइनिंग की गई है, और यहाँ पे देखो कितनी प्रकार की डिजाइनिंग की गई है ना, ये सारे चीज कितना डिजाइन किया गया है। तो ये चीजें हैं। आगे यहाँ के आंगन में सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ बने हुए हैं। ये जो रथ है ना, ये सूर्य देवता का माना जाता है। किसका? सूर्य देवता का। आगे, जिनके पहिए आज भी घूमते हैं, अगर इस पहियों को घुमाया जाए तो आज भी ये घूमते हैं, परंतु सरकार ने इसको घूमने पर बैन लगा दिया। देखो चारों ओर से बैरियर लगा दिया ना, ये चीज है। और यहाँ विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। ठीक है, तो विट्ठल मंदिर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं कमलपुरम महल, यानी कि सॉरी कमलपुरम महल कह रहा हूँ, कमल महल या फिर लोटस महल जिसको कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से, एक तरीके से कमल जैसा दिखाई दे रहा है। तो कमल महल कमरे के आकार का एक महल था। लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक, इसे यह नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था। आगे, इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बनाया गया था, यानी कि इतिहासकार इस चीज से कंफ्यूज है कि आखिर ये जो बनाया गया था किस काम के लिए बनाया गया था। क्या यहाँ पे मीटिंग होती थी, सभाएं होती थी, तो इस चीज का आइडिया नहीं लग पाया है। आगे, फिर भी मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्रों से अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रसिद्ध संसद था। प्रसिद्ध संसद मतलब एक तरीके से सभा, सभा यहाँ पे लगती थी, प्रशासनिक सभाएं यहाँ पे लगाई जाती थी, और यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करता था। यानी कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मंत्री थे, मतलब जो विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये राम जी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, इस पे राम जी के राम कथा के बारे में चित्रित किया गया है। तो राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर हजारा राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय है। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा और उनके परिवारों द्वारा किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बनाया गया था ये सिर्फ और सिर्फ राजाओं के लिए बनाया गया था और उसके परिवारों के लिए बनाया गया था। आगे, इस विशालकाय मंदिर और इनकी दीवारों पर रामायण की कथाओं को चित्रों चित्रों के रूप में उकेरा गया है, यानी कि दिखाया गया है। और आगे, इस कारण से इसे हजारा राम मंदिर का नाम कहा, मतलब हजारा राम मंदिर कहा जाता है, क्योंकि रामायण की जो कथाएं हैं ये इस पे गढ़ी गई हैं, इस पे लिखी गई हैं। और आप देख सकते हो यार, क्या जो पहले मंदिर बनाए जाते थे इस पे कितने डिजाइनिंग बनाए गए हैं। आप इन चीजों को खुद देख सकते हो और आप खुद सोच सकते हो कि जिस टाइम पे ये बनाए गए उस टाइम पे इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। आज जितना हम तरक्की कर लिए हैं उतनी तरक्की पहले के लोग नहीं किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बेटर बनाना, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं विजयनगर की जल प्रणाली। देखो अब जो हम चीजें बात करने हैं ना, करने वाले हैं ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा तो ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे तो विजयनगर क्षेत्र के चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है, परंतु मुख्य राजधानी विजयनगर जल के स्रोतों से काफी दूर है। आगे बात करते हैं जल की उपलब्धता, यानी कि चारों ओर से नदी तो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रशासनिक जगह यानी जहाँ पे राजधानी थी वहां पे पानियों का स्रोत नहीं था। तो आगे चल के क्या हुआ, कुछ व्यवस्था की गई जिसके द्वारा वहां पे पानी लाया गया। तो देखिए, विजयनगर के पास स्थित तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता था, और इसी जल कुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था, जैसे हौज बनाकर। हौज समझते हो क्या होता है, एक तरीके से कुंड बनाकर, कुंड बनाकर पानियों को पहुंचाया जाता था, और दूसरा नहरों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। देखिए, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी से कुछ छोटी छोटी जल धाराएं निकलती थी, और इस जलधाराओं पर एक हौज का निर्माण होता था। किसका? हौज का एक निर्माण किया जाता था, और इन बांधों से पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था। यानी कि इन बांधों के द्वारा, ठीक है, बांधों के द्वारा जो मानव निर्मित जो जलाशय होता था वहां पे पानी ले जाया जाता था, और आगे इन जलाशयों को हौज कहा जाता था। यानी कि कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे नदी बह रही है, तो नदियों से पानी कैसे निकालते थे, नहरें बनाते थे, बांध बनाते थे, और बांधों के द्वारा पानी लेके आते थे, यहाँ पे हौज बनाते थे, और हौज के द्वारा विभिन्न जगहों पर पानियों को ले जाया जाता था। ठीक है, आगे, इसमें से एक महत्वपूर्ण जो हौज है यानी कि जो जलाशय है वो कौन सा है, कमलपुरम जलाशय, जैसा कि हमने पीछे भी बात किया है। ठीक है, और आप देख सकते हो इस तरीके से नहरें थी, और इस तरीके से नहरों से पानी ले जाया जाता था। नहरें बात करते हैं, इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी नहरों का निर्माण किया गया था, जो कि विजयनगर के अलग अलग क्षेत्रों में पानी की पूर्ति किया करती थी।
इससे इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहर थी हिरिया नहर, और इससे आसानी से सामान्य जनता तक पानी पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वहाँ पे जल संसाधन के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, जैसा कि हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जल्दी से देख लेते हैं और चैप्टर को ओवर करते हैं। तो देखिए, विजयनगर के पतन का कारण, यानी कि विजयनगर का पतन का कारण क्या है। तो देखिए, पहला लिखा है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता, यानी कि सबसे पहले चीज वहां पे जो वंश जो चल रहा था, चीजें अच्छी चल रही थी, कृष्णदेव राय बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन इनके बाद जो राजा वहां पे होते चले गए वो धीरे 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 ऐसे राजा थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे, और इसी की वजह से विजयनगर का पतन भी हुआ। क्योंकि अगर जितना मजबूत राजा रहेगा, जितना उसकी मजबूत सेना रहेगी, उतना ही राज्य तरक्की करेगा, उतना ही साम्राज्य बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, पड़ोसी राज्यों से शत्रुता बढ़ चुकी थी, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं विजयनगर का अंत हो गया है। तो विजयनगर के शासक सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करते रहते। बहमनी के राजा से विजयनगर नरेश का झगड़ा हमेशा होता रहता था, और इसमें साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन बन गई थी। अब बहमनी कहाँ है, तो जैसा कि आप देखते हो जो नीचे का एरिया है भारत का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विजयनगर है, तो इसके ऊपर ये बहमनी है, ठीक है। तो बहमनी से हमेशा तनातनी लगी रहती थी, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है विजयनगर के पतन का। आगे बात करते हैं निरंकुश शासक। निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है कि ऐसे शासक जो मतलब उतने अच्छे ना हो, उतने मजबूत ना हो, और जनता में लोकप्रिय ना हो, जनता उनको पसंद नहीं करती हो, वो निरंकुश शासक होंगे। तो अधिकांशतः अगर बात किया जाए, अधिकांशतः शासक निरंकुश शासक थे, वे जनता में लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि वो अच्छे शासक नहीं बन पाए थे। आगे बात करते हैं आयोग उत्तराधिकारी। अगर कहा जाए तो कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा, जिनका नाम है अच्युत राय, राजगद्दी पर बैठा, और वो कमजोर शासक था, और उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब समझते हो, अपने ही साम्राज्य में लड़ाई छिड़ जाना, अपने ही साम्राज्य के लोग आपस में लड़ गए थे। आगे चल के इन्हीं सब चीजों का जो फायदा है वो उड़ीसा और विजयनगर के शासक उठाते हैं, और वो आक्रमण कर देते हैं विजयनगर पे। तो देखिए, जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध से लिप्त था, उसी दिनों उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, जिनका नाम था प्रताप रुद्र गजपति, तथा विजापुर के शासक जिनका नाम था इस्माइल, ठीक है, इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। यानी कि उड़ीसा के जो राजा थे उनका नाम था प्रताप रुद्र, और जो विजयनगर के जो राजा थे, बीजापुर के जो राजा थे, उनका नाम था इस्माइल। इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया विजयनगर पे। और आगे देखते हैं, हालांकि बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो राजा थे वो तो हार गए, लेकिन बीजापुर के जो राजा थे वो हारे नहीं, बल्कि विजयनगर साम्राज्य के ही राजा को हरा दिए, और इस तरीके से विजयनगर के किलों पर वो अपना अधिकार कर लिए थे। आगे बात करते हैं, एक और युद्ध हुआ था जो कि महत्वपूर्ण युद्ध था, और इसके बाद विजयनगर को मतलब एक तरीके से खत्म ही हो गया। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर की सभ्यता का अंत हो गया था, ठीक है। तो 1565 में यह युद्ध हुआ, विजयनगर और बीजापुर अहमदाबाद गोलकुंडा के बीच में हुआ था। विजयनगर का नेतृत्व उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री वहां के थे वो थे राम राय। प्रधानमंत्री एक तरीके से मुख्य मुख्य को बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री मत समझ लेना जो आज देश के हैं, ऐसे प्रधानमंत्री वहां पे नहीं थे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मुख्य जो बोलते हैं उसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। तो विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे, उनका नाम था राम राय, और इस युद्ध में विजयनगर को हार मिलती है। सेनाओं ने विजयनगर शहर को काफी लूटा, जिस कारण विजयनगर कुछ ही साल में उजड़ गया, और इसी युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और आगे चल के वहाँ के लोगों के स्मृतियों में विजयनगर हम्पी के नाम से मतलब जाना गया, और हम्पी वही दोबारा स्टार्ट। हम्पी किसके वजह से, मतलब हम्पी जो नगर बसाया गया किसके नाम पे, तो पंपा देवी और वीरूपाक्ष मंदिर के नाम पे चीजें बसाई गई थी। तो इस तरीके की जो चीजें हमें देखने को मिली, विजयनगर के शासक कैसे थे, आगे चल के इनका पतन कैसे हुआ, और वहां पे आज हम्पी कैसे है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा डिफाइन अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, ताकि एक चीज को डिफाइन किया गया है ताकि चीजों में कोई दिक्कत ना हो, और चीज बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाओ। बाकी नोट्स पाने के लिए
या तो आप हमारे नंबर से बात कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे मिल सकता है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या फिर अगर बात किया जाए तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बात करें तो अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।